हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केटू इंस्टीट्यूट में। और जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, सेकंड चैप्टर हमारे सिलेबस का, वो कंप्लीट हो चुका है। हमने सारी वीडियोस उसकी कवर अप कर ली है, सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे कवर हो गए हैं। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज एज डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस, हमें आज जो है कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन करने हैं अपने नीट के। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मुले जो इस चैप्टर के अंदर हमें यूज करने लगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला था हमारे पास, दैट वाज अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन से जो हमें मिलता है, जो हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसमें कि ई सेल जो होता है दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज दैट आर इन द आयनिक स्टेट ऑन द प्रोडक्ट साइड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज which are in the ionic state on the reactant side. So, ये जो P upon R है actually क्या है? Ionic state की concentration of species in ionic state. ठीक है? Plus N जो है that represents the number of electrons. E naught cell जो है, अगर हम precisely कहें, that is equal to E naught of cathode minus the E naught of anode. तो यही हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है जो यूज किया जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एक्चुअली भी यही है। उसके बाद ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये तब आई है हमारे पास जब टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन का रहा। ठीक है, दूसरा है जो रिलेशनशिप है बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं तो वो नॉट आ जाएगा। थर्ड इज अबाउट द ईएमएफ ऑफ एनी सेल एट इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी, दैट इज इक्विलिब्रियम EMF at equilibrium. फिर इसके बाद आता है हमारा फैराडे, दैट इज आपका कंडक्टेंस का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R, where G is conductance और R जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, ये हमारा हो गया कंडक्टेंस का। सिमिलरली हमारे पास एक और है टर्म विच इज कंडक्टिविटी, जो कि 1 अपॉन रो के बराबर है। कापा इज कंडक्टिविटी and rho defines the resistivity. फिर इसी के साथ हमारे पास एक और टर्म है विच इज दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, जब हमने एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो दिस इज लैम्डा एम इज कॉल्ड एज दी मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू कापा इन 2000 अपॉन दी मोलैरिटी, दैट इज दी कॉन्सेंट्रेशन। सो लैम्डा एम इज दी मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी के और रिलेशनशिप्स है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सो अल्फा जो होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, अगेन अल्फा जो है दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किस फ्रैक्शन में डिसोसिएट हो रही है स्पेसिफिकली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, और लैम्डा एम जो है वो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है जब आपने अपने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक डाइल्यूट किया है तब। ठीक है, फिर हमारे पास आता है अपना नेक्स्ट रिलेशनशिप, दैट इज फॉर द के, that is the dissociation constant of acid and that is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. K जो है that is the dissociation constant किसी भी weak acid के लिए। और फिर last में आते हैं हमारे दोनों formulas for the Faraday law. Faraday first law का है ये, और W1 upon E1 वो आ जाता है हमारे Faraday second law के लिए। ठीक है, जिसमें कि Z जो है फिर से अगर हम कहें तो that is equal to atomic weight upon N multiplied by 96500. I जो है दैट इज द करंट, T इज द टाइम टेकन इन सेकंड्स, ठीक है, और W जो हो जाता है दैट इज द वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड और प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, तो ये इस पूरे चैप्टर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हम आगे यूज करने वाले हैं आज के अपने लेक्चर में, वो सारे के सारे हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर के सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा 2003 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें कि हम कंडक्टिविटी जो है हमें एक सेल की वो गिवन है। सो लेट अस राइट व्हाट इज ऑल गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। कंडक्टिविटी इज 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और रेजिस्टेंस जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 60 ओम। टेम्परेचर मेंशनड है बट टेम्परेचर की हमें यहाँ पे कोई ना कोई जरूरत नहीं। अब कैलकुलेट जो हमें करना है दैट इज द सेल कॉन्स्टेंट, सेल कॉन्स्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू जो है वो अपनी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास कापा है विच इज दी कंडक्टिविटी, सो कंडक्टिविटी जो होती है अभी मैं पीछे लिखा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होती है, एंड रेजिस्टिविटी इज रो एल बाय ए,
that is R A upon L हो गया resistivity. So if I talk about 1 upon rho that is conductivity, तो वो बन जाएगा हमारे पास 1 upon R into L by A. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो 1 upon R जो होता है that is what is called as your conductance. ठीक है, और ये जो L by A का जो expression है इसी को हम बोलते हैं G star, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं अपना सेल कॉन्स्टेंट. सो एक और रिलेशनशिप आ गया हमारे पास फॉर दी कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल. रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी से हमने एक रिलेट कर दिया फॉर्मूला, और वो है हमारे पास अपना कापा इक्वल्स टू जी इंटू दी जी स्टार वैल्यू. और ये जी स्टार जो है हमने अपने न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज है, हम उसे उसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो कापा 0.0210 एंड conductance that is 1 upon the resistance is 1 upon 60 multiplied by G star. So 0.0210 multiplied by 60 will give us G star. ठीक है, तो यानी कि अगर आपको formula याद है तो उससे आप किसी भी तरीके की value अगर आपको given होगी तो आप वो calculate कर सकते हैं. You don't need to cram each and every formula. आपको अगर एक simple formula याद है तो उससे आप easily calculate कर सकते हैं. तो हमारे पास ये value जो आ जाती है वो आ जाती है 1.26 centimeter inverse, that is for the G star. अगर हम इसके unit की बात करते हैं तो 0.021 जो है उसकी यूनिट है हमारे पास से ओम सेंटीमीटर इनवर्स. अगर इसकी यूनिट को हम कैलकुलेट करना चाहें तो 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, वहीं पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस इज 60 ओम. तो ओम के कैंसिल बाय ओम इनवर्स हमारे पास सेल कांस्टेंट हो जाता है सेंटीमीटर इनवर्स, जिससे हम अपनी यूनिट फॉर द सेल कांस्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं. तो अगर आपने देखा होगा कि सेल कांस्टेंट बोला तो बाय द नेम इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द माइंड कि कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेशियो होता है लेंथ ऑन द एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर सेल के अंदर, इसीलिए यू हैव अ यूनिट दैट इज योर सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो ये हो जाता है. तो उसका करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी. वेरी एविडेंटली क्लियरली आ गया है ये तो. ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ. वो कुछ इस तरीके से है जिसमें हमें बोला हुआ है कि यू हैव टू स्टेटमेंट्स. एक ऑब्वियसली हमारे पास अपना एजर्शन है और दूसरा हमारे पास उसके लिए रीजनिंग है. ठीक है, तो एजर्शन जो है वो कुछ इस तरीके से गिवन है कि यहाँ से स्टार्ट होता है एजर्शन. दिस इज द एजर्शन. एजर्शन में बोला हुआ है कि एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, जिसमें डेल्टा जी जो है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द एन वैल्यू. ठीक है, ये हमें को एक स्टेटमेंट गिवन है. अब उस स्टेटमेंट की हमें रीजनिंग मेंशन है कि ई सेल जो होता है दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आई होप यू क्लियर विद देम. इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास. ठीक है, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, एक है इंटेंसिव दूसरी है एक्सटेंसिव. जो इंडिपेंडेंट है मास के दैट इज कॉल्ड एज द इंटेंसिव, और जो डिपेंडेंट है मास के ऊपर दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. डिपेंडेंट ऑन मास. ठीक है, आई एन से आप याद कर सकते हैं इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि डेल्टा ई सेल जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होती है मास के, बल्कि डेल्टा जी जो होता है वो डिपेंडेंट होता है मास के. उसके बाद बोला है कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन. कि अब आपको ये बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी, जो एजर्शन गिवन था, क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है ये गिवन है या नहीं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है, समझते हैं कि डेल्टा यानी ये जो हमारे पास एजर्शन है वो सही है कि नहीं. ऑब्वियसली डेल्टा जी क्लियरली दिख रहा है माइनस एन एफ ई सेल के बराबर, तो डेल्टा जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी ये जो स्टेटमेंट है जो एजर्शन हमें लिखी हुई है दैट इज नॉट ट्रू. ठीक है, एजर्शन जो है वो तो हमारे पास आ जाती है वेरी मच क्लियर. ठीक, अब पॉइंट ये आता है कि क्या ये जो दूसरी रीजनिंग है दैट ई सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड डेल्टा जी इज डिपेंडेंट, तो ऑब्वियसली जो हमने नर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वो होती है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, यानी कि हमें यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ई सेल जो होती है प्रॉपर्टी वो कहीं ना कहीं आपका इंडिपेंडेंट ही होती है मास के. क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज पे डिपेंड है. अगर हम नर्स्ट इक्वेशन भी नहीं ले कराते हैं तो हमें क्लियरली ये बताया दैट ई सेल इज व्हाट, ई सेल इज ई ईएमएफ ऑफ द कैथोड माइनस द ईएमएफ ऑफ एनोड, यही होता है.
और ईएमएफ कहीं कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो सीधा क्या है, ये वोल्टेज है, और वोल्टेज का कोई लेना देना नहीं है हमारे मास से। यानी ई सेल जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी ये जो आधी स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ लिखी हुई है दैट इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी करेक्ट आ गई। अब दूसरा क्या लिखा है इन्होंने, डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेफिनेटली डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है और थर्मोडायनेमिक फंक्शन होने की वजह से डेल्टा जी जो होता है वो हमारा एक्सटेंसिव जरूर होता है। मास पे तो वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा ही करेगा। यानी कि जो हमारे पास ये रीजनिंग गिवन है ये भी सही है, रीजन भी सही है और हमारी जो स्टेटमेंट है assertion, वो भी सही है, बट डेफिनेटली इस assertion का ये जो रीजनिंग इन्होंने लिखा है ये गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली डेल्टा जी डिपेंडेंट है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ही कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है जो हमें रीजनिंग मेंशन है। तो अगर आप इसका आंसर देखते हैं तो दैट विल बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर के पेपर्स में एक्चुअली काफी दिखाई कि दो या तीन एजर्शन और रीजनिंग जो है आपके नीट के पेपर में एड ऑन हो गए हैं। जनरली नहीं रहते थे, जितने भी 10 ईयर्स के आप पेपर देखेंगे तो पिछले साल के पेपर में आपको दिखेंगे कि एजर्शनिंग और रीजनिंग 2 to 3 यू विल गेट इन योर एग्जाम। तो इस तरीके से भी अपने आपको प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। 2022 का क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें दो इक्वेशन गिवन है। एक तो इक्वेशन है हमारे MnO4 के रिडक्शन के लिए, उसका हमें E नॉट भी गिवन है, दूसरा हमें रिडक्शन गिवन है पोटेंशियल फॉर दी हाइड्रोजन O2 जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये दोनों ही हाफ सेल्स है, एक हाफ सेल है ये, एक हाफ सेल है ये, दोनों के लिए EMF की वैल्यू गिवन है। हमें पूछा है विल द पर मैग्नेट आयन दैट इज MnO4 माइनस लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, यस और नो। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं सबसे पहले, तो ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि अगर आपने KMnO4 माइनस यानी MnO4 माइनस को यूज किया है तो क्या उससे ऐसा होगा कि O2 जो है वो लिबरेट आउट हो जाए। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हम MnO4 माइनस को और O2 को साथ में यूज करके एक सेल बनाते, ठीक है, तो क्या वो सेल जो है आपका वर्क करेगा या नहीं करेगा। ये आपका क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा गया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि KMnO4 जो है दैट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे यही अगर आप देखोगे तो KMnO4 का इटसेल्फ रिडक्शन होगा। यहाँ पे मान लीजिए इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे उसकी +2 है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि रिडक्शन हो। अगर ये खुद रिडक्शन कर रहा है तो एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी आपसे ये पूछा गया सिंपल कि अगर एक को कैथोड और एक को एनोड बनाया जाएगा तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा, क्योंकि अगर ये रिएक्शन हो पाएगा तो डेफिनेटली O2 जो है वो हमारा लिबरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे EMF दोनों की ही वैल्यूज मेंशनड है, तो जो भी हम ई सेल निकालेंगे अगर वो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सेल जो है वो काम करेगा, और अगर हमारी ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो सेल जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा इसका लॉजिक है। तो अब आप क्लियरली यहाँ पे MnO4 माइनस, अब यहाँ पे आप एक और चीज समझिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो आपको वैल्यू गिवन है, ये आपको वैल्यू गिवन है 2+ से +7 जाने के लिए। यानी ये जो E0 की वैल्यू मेंशनड है, दिस वैल्यू इज मेंशनड व्हेन योर मैंगनीज इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम +2 to मैंगनीज +7 स्टेट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जब मैंगनीज, इसके लिए हमें वैल्यू गिवन है E0 की -1.10 लाइक दिस, हमें वैल्यू चाहिए ऑपोजिट की +7 से +2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरीके से समझ सकते हैं कि +5 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन कर रहा है, यानी ये रिडक्शन हो रहा है, और ये जो वैल्यू है ये आपकी ऑक्सीडेशन की वैल्यू है E0 -1.510 वोल्ट, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो ऑब्वियसली साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा और आपकी E0 की वैल्यू हो जाएगी 1.510 वोल्ट, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या करना है, अब हमें दिख गया ये क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये बन गया हमारा कैथोड कौन KMnO4 यानी MnO4 माइनस, और जो दूसरा गिवन है हमारे पास वो ऑब्वियसली हमारा क्या है एनोड, ठीक है। योर कैथोड एंड योर एनोड इज द ऑपोजिट, एनोड पे हमारा हो रहा है हाफ O2 से 2H+, जो कि हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ई सेल E0 सेल अगर हम देखेंगे तो E0 कैथोड होता है माइनस E0 एनोड होता है, कैथोड के लिए वी हैव 1.51 और एनोड के लिए वी हैव 1.223 3 decibel, तो we will have 3 decibels over here, 1.510 minus
1.223. तो आंसर हमें मिल जाएगा विद अ पॉजिटिव वैल्यू डेफिनेटली 0.287 वोल्ट्स, यानी कि हमारी इनोड सेल की वैल्यू। क्लियरली इनोड सेल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आने का मतलब है कि डेफिनेटली सेल जो है वो काम करेगा, और 2.87 हमें अपने ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। सो यस विद ई सेल इक्वल्स टू 0.287 वोल्ट्स। तो हर एक सेल हमेशा तभी काम करेगा अगर आपने, अगर आपकी ईएमएफ की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। अगर नेगेटिव ई सेल आता है तो डेफिनेटली सेल जो है वो आपका काम नहीं करेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दैट ई सेल हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। चलिए, सो इसमें काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि कैमेनोफोर जो गिवन है वो हमें गिवन था ऑक्सीडेशन का, और हमें एक्चुअली में यूज करना था रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जो स्टेटमेंट इटसेल्फ थी वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, स्टेटमेंट को समझना भी जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडेज क्लास। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स हैं तीन तरीके की, चार एक्चुअली, कॉपर, जिंक, आयरन और सिल्वर। इन चारों का ही रिडक्शन हो रहा है। कॉपर 2 प्लस से कॉपर जा रहा है, Zn 2 प्लस से Zn जा रहा है, Fe 2 प्लस से Fe जा रहा है, और Ag प्लस से Ag जा रहा है। तो तीनों के लिए ही आपको जो पोटेंशियल्स हैं वो सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। जो चारों ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकता है। क्लियर सी चीज है, अगर इन सब का, इन सब रिएक्शंस के लिए अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियसली रिएक्शन जो होगा वो फीजिबल होगा, इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज फीजिबल, ठीक है। और अगर आपके पास ई नॉट सेल नेगेटिव आता है तो रिएक्शन जो होगा वो आपका फीजिबल नहीं होगा। तो क्लियरली देखते हैं किस किस में ऐसा होगा। तो अगर आप देखेंगे Fe 2 प्लस से सबके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन में हम देख रहे हैं Fe 2 प्लस से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उसका रिडक्शन हो रहा है। वहीं पे Zn जो है गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn 2 प्लस, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब इनका ईएमएफ कैलकुलेट करके देखते हैं। हमें जो गिवन है वो रिडक्शन का गिवन है आयरन के लिए, और रिडक्शन का ही हमें चाहिए। Zn का जो पोटेंशियल है वो हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो ऑपोजिट हो जाएगा। आयरन का है वी हैव 0.44, व्हिच इज 0.44 वोल्ट्स, और साथ ही में हमें वी हैव फॉर Zn एंड दैट इज Zn 2 प्लस टू Zn व्हिच इज -0.76 वोल्ट, ठीक है। सो ई सेल जो होता है दैट इज कैथोड माइनस एनोड, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, ठीक है। तो आपके पास इनोड सेल जो है वो आ जाता है। अब कैथोड यहाँ पे आयरन है, तो आयरन का हमने वी हैव अ ओके सो पॉजिटिव वैल्यूज रख देंगे हम यहाँ पे, तो 0.4 ओके। सो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि जो वैल्यू गिवन है वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये माइनस की थी ये भी माइनस की, तो -0.44 -0.76, सो वी विल हैव -0.44 प्लस 0.76, तो हमें मिल जाएगा 0.32 वोल्ट। पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव यानी कि फीजिबल हो जाएगा रिएक्शन। दूसरे में हमें पूछा है जिसमें कॉपर से कॉपर 2 प्लस से कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड, ठीक है, यानी ये है रिडक्शन, यानी ये है कैथोड। और दूसरे में बोला है Ag से Ag प्लस में जा रहे हैं, यानी ये है हमारा एनोड, ठीक है। तो सेम वही चीज है, ई नॉट सेल आ जाएगा हमारे पास। कॉपर के लिए इट वॉज 0.34 वोल्ट्स, एंड फॉर Ag इट इज 0.80 वोल्ट्स। तो 0.34 माइनस 0.80 ऑब्वियसली दिख रहा है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो माइनस 0.46 जो है वोल्ट वो उसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि ये रिएक्शन जो है वो नॉट फीजिबल रहेगा, ये रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकता, ये वाला एक्चुअली में फीजिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेडिक्ट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अकर, और ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी आ ही गया कि ये रिएक्शन जो है ई सेल नेगेटिव देता है, नेगेटिव देने का मतलब रिएक्शन हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टुडेज क्लास. 2022 का क्वेश्चन है ये. जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो आप देखेंगे इमीडिएट 5 इयर्स के क्वेश्चन हैं, तो इनको प्लीज सीरियसली इनके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखिएगा. ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसको लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. स्टूडेंट्स, आपका एक लाइक जो है वो आपके टीचर को बूस्ट अप कर सकता है. चलिए नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल जिसमें रिएक्शन गिवन है सॉलिड निकल एजी प्लस, कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर, से कन्वर्ट हो रहा है इनटू Ni2 प्लस 0.001 मोलर प्लस 2 एजी सॉलिड. इस तरीके से हमें एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, और इस रिएक्शन में हमें बोला है कि ईएमएफ जो है वो हमें निकालना है. ठीक है, तो अब हमें जो वैल्यूज मेंशनड हैं वो क्या क्या है. कॉन्सेंट्रेशन एक तो गिवन है हमें, ठीक है, जितनी भी आयनिक स्टेट्स उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें मेंशनड है. साथ ही में ई नॉट सेल जो है वो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में. ई नॉट सेल इज इक्वल टू 10.5 वोल्ट्स और हमें 0. यानी टेम्परेचर जो है बींग 298 केल्विन, तो हमें पूरी वैल्यू जो है वो लिखी हुई है, दैट इज 0.0591. ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो कैलकुलेट करना है. वेरी इजी, वेरी सिंपल, सीधा नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे. वेर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591. क्योंकि अगर इक्वेशन आपको सिंप्लीफाइड इक्वेशन अगर याद है तो उसमें होता है 2.303 आरटी अपॉन एनएफ log concentration of product that are present in the ionic state, concentration of reactant that are present in the ionic state. और ये जो पूरी वैल्यू है 2.303 RTF की, ये हमें गिवन है 0.059. सिंपल है, E नॉट सेल रख देंगे 10.5 माइनस 0.0591 अपॉन N. ठीक है, log concentration of product. प्रोडक्ट की साइड देखिए क्या क्या आयनिक स्टेट्स है. Ni2 प्लस ये आपकी आयनिक स्पीशीज है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.001 मोलर. रिएक्टेंट साइड अगर आप देखेंगे सिल्वर है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 0.001 मोलर गिवन है, लेकिन उसके साथ एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो वो बन जाएगा इसका एक्सपोनेंट. ठीक है, अब बात है समझने की कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन कैसे निकलेंगे. तो Ni से Ni2 प्लस जा रहा है, यानी क्लियरली Ni2 Ni2 प्लस विल बी बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन की वैल्यू आ गई है 2. तो यहाँ पे एन रख देंगे हम 2. ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है बस इस इक्वेशन को, तो फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं. सो लॉग से एक वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, हमें मिलेगा सिर्फ log 1 अपॉन 0.001. साथ में चल रहा है E cell equals to 10.5 minus 0.0591 upon 2. decimal shift हो जाएगा तो you will get 10 raised to the power 3 in the numerator with E cell equals to 10.5 minus 0.0591 upon 2. log 10 is 1, so E cell will be equal to 10.5 minus 0.0591 upon 2 into 3 log 10. इस तरीके से आ जाएगा. अब क्योंकि log 10 1 होता है तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हट जाएगा और हमें मिल जाएगा सिर्फ 3. अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें मिलेगी कुछ अराउंड, अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी 10.5 माइनस 0.0885, तो आंसर आ जाएगा 9 से कम ही आएगा एक्चुअली, 10.5. तो 10.5 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10.5 से तो ऑप्शंस की वैल्यू से मैच नहीं करेगा. 10.5 माइनस 0.0885 दैट इज इक्वल टू 10.411. सो देयर इज अ मिसप्रिंटिंग इन द क्वेश्चन एंड द मिसप्रिंटिंग इज ओवर हियर. ये 10.5 नहीं है एक्चुअली में, ये 1.05 वोल्ट है. ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पे ये सब जगह 10.5 की जगह टू रेक्टिफाई दिस, ये आपका 1.5 है. ठीक है ना, सो दिस इज 1.05 माइनस करेंगे तो ऑप्शन से मैच हो जाएगा, विच इज 0.9615 वोल्ट आ जाएगी ई सेल की वैल्यू, जो कि हमारे ऑप्शंस में क्लियरली दिख रही है, वो है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो ही जाएंगे. कोई इतनी हार्ड एंड टफ कैलकुलेशंस नहीं आती है, बेसिक सी कैलकुलेशंस आती है मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की, फॉर द नीट इफ आई टॉक स्पेसिफिकली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 2021. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है तीन तरीके की इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक है NaCl, एक HCl, एक है CH3CONa.
और इन तीनों का ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो भी कंडक्टिविटी है वो मेंशन है, यानी कि बेसिकली ये जो गिवन है दैट इज द लैम्डा एम नॉट वैल्यूज फॉर द थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तीनों के लिए ही जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटीज है वो मेंशन है. तो लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl है 126.45. आप यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको स्टेटमेंट वाइज नहीं समझ आता क्वेश्चन, तो यूनिट्स को भी समझ के चलिए कि क्या क्या उसमें गिवन. 426.16 एंड लैम्डा एम नॉट फॉर CH3COONa इज इक्वल टू 91.0 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स. ठीक है, तो ये तीनों हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन है और हमें बोला है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही CH3COOH टाइप के एसिड की क्या कंडक्टिविटी रहेगी वो आपको बताना. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जितने भी आयनिक कंट्रीब्यूशन है, जिस जिस आयन की कंट्रीब्यूशन है वो निकाल लेते हैं. तो अगर एसिटेट एसिड को डिसोसिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एसिटेट आयन और साथ में रिलीज होगा H+ आयन, यानी ये दोनों आयन जो है इनका सम मुझे कैलकुलेट करना है. अब जो तीनों गिवन है उनमें क्या क्या आयन है वो देख लेते हैं. Na+Cl- HCl, H+Cl- एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट, ये भी देगा एसिटेट आयन और Na+. ठीक है, अब तो जो जो हमें चाहिए आयन वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक तो ये रहा हमारे पास एसिटेट, दूसरा हमारे पास रहा H+, वो ये रहा. यानी ये जो दोनों है ये तो एडअप करनी है, अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो हमें क्लियरली क्या करना है, फर्स्ट को सेकंड से एडअप करना, तभी हमें ये दोनों आयन सम अप मिले. तो एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने से हमें मिल गया 426.16 + 91.0. ये तो गई वैल्यूज की बात, अब चलते हैं आयंस की बात. यहाँ पर H+ आ रहा है, ठीक है, साथ में एसिटेट आ रहा है, ये तो डिजायर्ड है. एक्स्ट्रा जो है वो क्या है, Na+ और Cl-. ठीक है, इन दोनों को हमें रिमूव करना है. कौन सी इक्वेशन में आ रही है दोनों, इक्वेशन 1 में आ रही है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किससे, थर्ड इक्वेशन से. तो हमने एक्चुअली क्या किया, एडिंग 1 एंड 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग विथ 1 से हमने इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर, तो ये तो सम हो गया और सब्ट्रैक्ट कर देंगे अभी ने हम 126.45 से. तो आयन जो एक्स्ट्रा आ रही है वो आसानी से हमें रिलीज आउट होती हुई दिखाई दे जाएगी. तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वैल्यू सॉल्व करनी है तो वैल्यू सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास, विच इज एसिटिक एसिड के लिए हमें मिल जाएगा 426.16 + 91.0 - 126.45. इसको सब ट्रैक करेंगे और आंसर आएगा कुछ अराउंड, हमारे पास आंसर मिल जाएगा 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये आ गया हमारे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन. यहाँ पे भी यूनिट सही कर लीजिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे. ये भी क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गड़बड़ है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स. ठीक है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटीज है तो ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो तो सेम ही रहेगी हमारे पास. तो इस तरीके से हम अपने किसी भी एक्स वाई जेड इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द रिस्पेक्टिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हमें गिवन है. ठीक है, तो ये अगर आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि कौन से लॉ पे बेस्ड है तब क्या कहेंगे, सो दिस इज बेस्ड ऑन द कोलरॉश लॉ. ठीक है, जो ये कहता है कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लेकर जाते हैं तो उसकी जो भी कोई सपोर्टिंग आयंस है, जो भी कोई इंडिविजुअल आयंस है, उनकी मोलर कंडक्टिविटीज के सम के बराबर ही उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होती है. तो एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमने क्या किया, एसिटेट और H+ की कंडक्टिविटी को एड ऑन कर दिया है. यहाँ पे यही बन के आया ना हमारे पास. सो इस तरीके से हम कोलरॉश लॉ को यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अनदर 2021 क्वेश्चन. चलिए, सो क्वेश्चन में कहा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की हमें गिवन है, दैट इज लैम्डा एम 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. कंडक्टिविटी यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 0.007 मोलर. और हमें पूछा है व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, के की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो अगर आपको अभी याद होगा, अभी हमने जस्ट प्रीवियस जब हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने सारे फॉर्मुलेज लिखे थे और उसमें हमने एक फॉर्मूला लिखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट का.
ये, तो यही फॉर्मूला हमें इस न्यूमेरिकल में यूज करना है, ये ठीक है। सो के की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू के बिकम्स इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ठीक है, जिसको के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर कर सकते हैं, यानी अंडर रूट ऑफ के, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना तो इतना का, इस तरीके से। अब पॉइंट ये है कि अल्फा कैसे निकलेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अल्फा जो है वो भी मेंशन नहीं है अपने क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा जो होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, यानी कि रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड विद रिस्पेक्टिव टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सबसे पहले चलते हैं अपना लैम्डा एम नॉट निकालने की तरफ। लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिड के लिए कोलराउस लॉ को यूज करेंगे, तो एसिटिक एसिड जो है H प्लस और एसिटेट आयन से बनते हैं, तो जो जो उनकी कंडक्टिविटीज है वो क्वेश्चन में मेंशनड है, एक है 350 दूसरी है 50, दोनों का सम कर देंगे, सो दिस विल बी 50 प्लस 350 प्लस 50 हमें मिल जाएगी लैम्डा एम नॉट, विच इज क्लियरली 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक काम तो हो गया, दूसरा है हमें निकालना जो मेंशन है कि मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी तो क्लियरली गिवन, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, अल्फा निकालिए सबसे पहले, अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 400 कैंसिल आउट 1 अपॉन 20 दैट इज 1 अपॉन 2 इनटू 1 अपॉन 10 दैट इज 0.5 अपॉन 10 व्हिच इज 0.05, ये आ गई हमारी अल्फा की वैल्यू जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। बट इतने से काम नहीं बनेगा, हमें अभी आगे चलना पड़ेगा किसकी तरफ, के की तरफ, सो के जो होगा वो जाएगा सी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा का स्क्वायर, यानी के इज 0.007 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 25 इंटू अप्रोक्सीमेटली सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 25 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4, ठीक है, तो ये बना हमारे पास 10 रेज टू द पावर माइनस 7 और दिस विल बी 25 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 175 आएगा क्लियरली इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7, ओके। अब एक्सपोनेंट में हमें 175 तो दिख रहा है, लेकिन हमें अपना ऑप्शन में हमें 175 तो दिख रहा है बट एक्सपोनेंट ऐसा नहीं दिख रहा है, तो उसको हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5, और क्योंकि के है, के की वैल्यू मोल लीटर इनवर्स में होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो क्लियरली इसमें मैच हो जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, तो दो चीजें यूज हुई, एक तो हुआ हमारा अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और दूसरा हमारा यहाँ पे यूज हुआ अपना फॉर्मूला फॉर कोलराउस लॉ, दो कॉन्सेप्ट जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया आपने 2021 का, बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्वेश्चन, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन तो कर ही देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज योर 2020 क्वेश्चन। इसमें बोला है सुक्रोज और वाटर, यानी सुक्रोज बेसिकली हाइड्रोलाइज हो रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा है, दोनों आइसोमर है, और इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी की वैल्यू दैट इज 2 इनटू 10 टू द पावर 13 वेयर द टेंपरेचर इज 300 केल्विन। केसी आते हमें क्लियरली मेंशन होगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ईसेल की वैल्यू जो है जीरो, और हमें निकालना है डेल्टा जी नॉट। सीधा फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट होता है -2.303 आर इंटू टी लॉग केसी, ठीक है, आर की वैल्यू हमें मेंशन नहीं है, ओके, तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में सिंप्लीफाई करना ही नहीं, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और इजी हो गया आप लोग, ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी, -2.303 होगा, आर की वैल्यू 8.1314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है, टेम्परेचर हमें गिवन है 300 अगेन इन केल्विन, और ओके तो एलएन में है ये वैल्यू, ओके एक गड़बड़ी यार, ये नेचुरल लॉग में हम लॉग में यूज कर रहे हैं, तो नेचुरल लॉग में डेल्टा जी नॉट जो है माइनस आर टी एलएन केसी के बराबर, ठीक है ना, तो इसमें हमें आंसर देना, इसमें हमें आंसर नहीं देना चाहिए, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा -8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, और एलएन केसी हो जाएगा 2 × 10⁻³⁰। सच्चा इजी क्वेश्चन, अगर यहाँ पे रखते तो हो जाता लॉग 2 × 10⁻³⁰। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाता है, अब आपको सिर्फ ऑप्शन मैच करने हैं इससे, ये है आपका जो डिजायर्ड है, क्योंकि डिजायर्ड में हमें नेचुरल लॉग में अपने ऑप्शंस क्यों मिले, तो नेचुरल लॉग में ऑप्शंस अगर आप मैच करोगे तो क्लियरली क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2 × 10⁻³⁰ जहां दिख रहा है, एक तो इस ऑप्शन में दिख रहा है हमें,
ठीक है, एक तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अब डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है इनके साइन का, एक है नेगेटिव और एक है आपके पास पॉजिटिव। तो बताइए, पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता पॉजिटिव? रीजन कि ये जो वैल्यूज हैं, आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब जो वैल्यूज हैं हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा जी के लिए, और डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। इट कैन नेवर बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब है कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि रिएक्शन तो हो रहा है। अगर पॉजिटिव आ जाती तो यानी रिएक्शन हो ही नहीं रहा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी तो आप पहले एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि उन दोनों के अंदर आप देखोगे पॉजिटिव साइन है और डेल्टा जी की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ PYQs अपने अपने प्रीवियस ईयर्स के। एक और देख लेते हैं विच इज क्वेश्चन, हम कुछ दो हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें हमें एक में तो मेंशन है कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं H2SO4 टाइप की एसिड की प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके, और प्रोडक्ट जो एनोड पे आएगा वो आपको बताना है। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने का मतलब है H+ टाइप की एसिड, H2SO4 जो है वो क्या दे रहा है? H+ दे रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे एनोड पे क्या होगा हमारे पास, एनोड पे हमारा वाटर है जिससे O2+, 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, और कैथोड पर हमारा क्या होगा? अपना एसिड होगा जो कि रिड्यूस हो रहा है बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इनटू H2 गैसीय स्टेट। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऑक्सीजन कौन सी इलेक्ट्रोड पे, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द एनोड विल बी व्हाट? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो एनोड पे देख लीजिए क्या आ रहा है। एनोड पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास O2 टाइप की एसिड गैस जो है वो रिलीज हो रही है, सो ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, यानी ये जो एसिड है H2SO4 उसका है, और जो प्लैटिनम है आपने, प्लैटिनम का मतलब है कि दूसरा जो आपने, एक तो आपने कैथोड ले लिया, एक आपने एनोड ले लिया, तो दूसरा जो है वो नॉन रिएक्टिव। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर वाटर है क्योंकि, इसीलिए हमारा एनोड पर जो आया है वो हमारा वाटर आया, वाटर हमने एनोड पर आया। ठीक है, अगर कोई और मेटल होता, अगर प्लैटिनम ना दिया होता, कोई और मेटल होता, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर होता या आपका कॉपर होता, तो उस पर्टिकुलर मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही होती एनोड। रिडक्शन के लिए तो क्लियरली सेम रहता हमारा एसिड का H+। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा है कि आपके पास E0 सेल की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो आपको गिवन है, दैट E0 सेल इज 0.59 वोल्ट, टेम्परेचर 298 केल्विन, अंडरस्टूड है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल। अभी ऐसा एक सेम क्वेश्चन हम करके आए हैं। ठीक है, इक्वेशन तो वही लगेगी हमारे पास। अच्छा, एक और चीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे आ गया, यानी कि ई सेल जो है वो तो जीरो हो गया, तो E0 सेल आ गया हमारे पास 2.303 R × T/n × f log kc, क्योंकि जैसे ही E0 सेल आ गया तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है वो हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के बराबर आ जाता है। अब ये पूरी वैल्यू जो है 2.303 RT/f की, ये हमें मेंशन है 0.059, तो E0 सेल एमिलेटन 0.0591/n log kc से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 0.59 = 0.0591/n, n कैसे निकालेंगे? सेल में बोला है कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी n की वैल्यू क्या है जी? n की वैल्यू है 1, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, सो n = 1 log kc, सो 0.59 upon 0.0591 = log kc, तो 1 की वैल्यू आ रही, यानी अप्रोक्सीमेटली आपको सिर्फ ये देखना है कि ये पूरा सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। तो एक पूरा सिंप्लीफाई करके अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ 0.59 ले लेते हैं, जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन, तो 59 upon 59 × 10^10 आपका आ जाएगा, ये 10^3 और ये आ जाएगा 10^2, तो कैंसिल आउट होके लॉग के सी जो है वो हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10, सो 10 विल बी इक्वल टू लॉग के सी, यानी कि This can be written as 10^10 = k × kc, तो आंसर आ जाएगा 10^10, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2020-19 का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने अपने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। 10 क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे फॉर्मुलेज। तो फॉर्मुलेज जो है अगर आपको सीधा सीधा याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सीधे है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है।
पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग चैप्टर है स्पेशली फॉर द नीट स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल फॉर्मुलेज है. देखो आपके वीडियो में आपको दिख रहा है 10 के 10 ही ये फॉर्मुले, इसी से क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के आपको पूछते रहेंगे, दो कॉन्सेप्ट को जोड़ देंगे एक क्वेश्चन बनाने के लिए. तो ये वो है. तो अगर आपको फॉर्मुलेज याद है आपका चैप्टर आसानी से हो जाएगा. ठीक है, आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई है स्टूडेंट्स तो लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी कोई डाउट या क्वेरीज होती है प्लीज कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन करते रहिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सके आगे जाके. ठीक है, बाकी जो भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको उसको स्टडी करना है, अगर आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझ रहे हैं तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि हम अगली बार उसी से रिलेटेड वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आए. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस. थैंक यू.